यस क्वेश्चन करते हैं इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स डी एक्स। देखिए इसका मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया था क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता है। हम क्या करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब आप ध्यान दीजिए कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, तो क्या करेंगे कॉस एक्स को लिया टी, डिफ्रेंशिएट किया माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, या ऐसा बोल सकते हैं साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। ये कितना हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, टी का हुआ लॉग टी, टी की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स। ये हमारे पास पहले तो फॉर्मूला आ गया। अब एक लॉग की प्रॉपर्टी है आपने पढ़ा है लॉग एम बाय एन इक्वल टू माइनस लॉग एन बाय एम, यानी लॉग कॉस एक्स को आप चाहें तो माइनस लॉग वन अपॉन कॉस एक्स यानी माइनस लॉग सेक एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर माइनस अगर होगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आ गया तो माइनस लॉग कॉस एक्स इक्वल टू लॉग सेक एक्स। देखिए सी आया फिर माइनस आया तो ये मिल गया लॉग ऑफ sec x, यानी आपके पास एक नया फॉर्मूला आया इंटीग्रल ऑफ tan x dx। कभी भी पूछें तो या तो आप लिखेंगे माइनस log cos x या फिर log of sec x। बिल्कुल इसी तरीके से हम नेक्स्ट cot का भी फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। देखिए cot का फॉर्मूला क्या होगा इंटीग्रल ऑफ cot x dx की अगर हम बात करें तो आप क्या करोगे इसको लिखोगे cos x अपॉन sin x, सेम अप्रोच। sin x को आपने लिया t, sin x को आपने लिया t, तो क्या होगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल टू dt, क्या हो जाएगा सिंपल dt अपॉन t एंड दिस इज log ऑफ t, की वैल्यू पुटअप की तो लॉग साइन एक्स। आपके सामने एक नया फॉर्मूला निकल के आया, चाहे तो हम इसको माइनस ऑफ लॉग कॉसेक एक्स भी लिख सकते हैं। देखिए सी आया माइनस आ गया और लॉग साइन एक्स भी याद कर सकते हैं। तो ये एक नया फॉर्मूला आया कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स या माइनस ऑफ लॉग कॉसेक एक्स। यस नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें इंटीग्रल ऑफ sec x, ये भी आपने अभी तक नहीं पढ़ा था। अगेन ये भी डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म नहीं होती है, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं सिंपल, इसमें हम अपनी तरफ से sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो दो सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, tan x का sec स्क्वायर एक्स। आप डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को टी एज्यूम कर लें, यानी आपने क्या किया लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन किया sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। sec x कॉमन लिया आपने तो आपको मिला tan x प्लस sec x डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये हो जाएगा न्यूमरेटर पूरा डी टी अपॉन टी, दिस इज लॉग टी, यानी लॉग, लॉग के अंदर हमेशा कोई भी क्वांटिटी मॉड होती है तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं मॉड sec x प्लस tan x। यानी आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आया कि इंटीग्रल ऑफ sec x पूछा है तो आप बोलेंगे लॉग sec x प्लस tan x। क्वेश्चन भी हो गया फॉर्मूला भी हो गया। अब इसमें क्या होता है अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से इसको चेंज कर दें तो एक फॉर्म और बनती है, मैंने आपको डायरेक्ट याद करवाया हुआ है tan x प्लस sec x को अगर हम sin cos में चेंज करें तो देखिए क्या आता है, ये आएगा वन प्लस sin x अपॉन cos x। अगर मैं इसको हाफ एंगल फॉर्मूला लिखूं तो मैं ऐसा लिखता कुछ cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये डायरेक्टली आपको याद रखना था टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू होता है। प्रूफ इसलिए बता रहा हूँ कि जितना रिविजन करेंगे, मैं अपनी क्लास में यही कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम टाइम रिविजन करो, बार बार फॉर्मूले इसलिए लिखता हूँ कि आपके नजर के सामने आए, आपको जल्दी रिकॉल हो, याद रहे लॉन्ग टर्म टाइम तक। अब एक फैक्टर कैंसिल, तो आपको मिला कितना, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। कॉस कॉमन लेंगे तो 10 बनेगा और ये फाइनल रिजल्ट बनेगा 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स बाय टू। तो इसका मतलब आप इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉग 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स बाय टू। अब कई बार ऑप्शन आपको ये मिल सकता है, कभी कभी ऑप्शन ये मिल सकता है, तो जो भी मिले उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान रखें। तो इंटीग्रल ऑफ sec x dx हुआ log sec x प्लस 10x, डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म नहीं है, सब्स्टिट्यूशन करना होता है। सब्स्टिट्यूशन के लिए आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, डिनोमिनेटर वाली चीज को आपने t एज्यूम किया और इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू न्यूमरेटर, dt by t means log t, log sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से चेंज किया तो 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, देन अगेन ये भी डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म नहीं है, इसमें भी हम वही सेम काम करते हैं, cosec x को इंटीग्रेट करना है। अब इसमें दो तरीके के मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, cosec x माइनस cot x और cosec x प्लस cot x, कोई भी एक ले लो। मान लो आपने लिया cosec x माइनस cot x, नीचे भी यही किया cosec x माइनस cot x, क्या करेंगे, बिल्कुल सेम cosec x माइनस cot x को आपने लिया t, डिफरेंशिएशन किया cosec x c आया, ये भी c माइनस आएगा, माइनस cosec x cot x प्लस cosec square x इक्वल टू dt by dx। क्या करेंगे, cosec x कॉमन ले लीजिए, cosec x कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, cosec x माइनस cot x dx इक्वल टू dt, यानी आप इस पूरे टर्म को dt लिख सकते थे एंड दिस इज t। फाइनली आपको मिला log t, यानी log mod ऑफ cosec x माइनस cot x। इसको अगर हम sin cos में चेंज कर दें तो मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था cosec x माइनस cot x इक्वल टू 10x बाय 2, पर प्रूफ हम करते हुए ही चलें, cosec x माइनस cot x क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos x अपॉन sin x। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया, 2 sin स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, sin से sin कैंसिल, ये देखिए 10 x बाय 2, आपको डायरेक्टली याद रखना था, तो ये मिल गया log 10 x बाय 2, यानी हमारे पास एक नया फॉर्मूला आया cosec x इक्वल टू log ऑफ cosec x माइनस cot x और log ऑफ 10 x बाय 2। और एक और यहां पे सी आ रहा है, अगर आप बाई चांस cosec x प्लस cot x का मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो आपको ये रिजल्ट भी मिलता, माइनस log cosec x प्लस cot x, यानी ये थ्री पॉसिबल रिजल्ट हैं, पर सबसे यूज में आने वाला है log 10 x बाय 2। यस, अभी हमने ये फोर स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे। अब इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार आगे की क्योंकि एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूले जो स्टैंडर्ड हैं, जो सबसे ज्यादा यूज में आते हैं, वो लिखवाता हूँ, बाद में भी लिखेंगे, अभी भी लिखिए, जिससे आप अभी से उनको याद करना चालू करें, रिमेंबर करें। 14 स्टैंडर्ड फॉर्मूले इंटीग्रल के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, इससे ही आप आगे बढ़ेंगे, जिसमें अभी हमने चार का प्रूफ किया। नंबर वन था इंटीग्रल ऑफ tan x dx, दिस इज माइनस log cos x और log ऑफ sec x। सेकेंड फॉर्मूला था इंटीग्रल ऑफ cot x dx, दिस इज log sin x
या माइनस लॉग कॉसेक एक्स। थर्ड वन था इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स और लॉग ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाय टू। फोर्थ फॉर्मूला था इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और लॉग ऑफ टेन एक्स बाय टू। ये फोर फॉर्मूले के हमने प्रूफ देखे। फिफ्थ हम लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। इसका प्रूफ आप बाय पार्ट में सीखेंगे, अभी याद रखना है एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस वन या एक्स इंटू लॉग एक्स बाय ई। नेक्स्ट आते हैं रिमेनिंग नाइन फॉर्मूलेज पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आगे की कई सारी एक्सरसाइज आप उसी पे बेस्ड करेंगे। आते हैं इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपने वन प्लस एक्स स्क्वायर का पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिस इज वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन बाय टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन बाय टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इन दोनों फॉर्मूले में हमेशा कन्फ्यूजन होता है, बी केयरफुल। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो एक्स माइनस ए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो नीचे आएगा। वैसे इसका माइनस कॉमन ले लो तो ये बनेगा, इसका माइनस कॉमन ले लो तो ये बनेगा। आप कोई इन दोनों में बहुत क्लियर रहना, अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, इनमें अगर रूट होता तो क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख लेते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। इनके प्रूफ भी अभी हम करेंगे। इसमें एक्स की जगह ए साइन थीटा रख देते हैं, इसमें टेन थीटा लॉग के टर्म में अभी अपन करते हैं इनके भी प्रूफ। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिस इज लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद आते हैं हम इन तीन फॉर्मूले पे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब आप लर्न कर लीजिए, इनका यूज अभी थोड़ी देर बाद अगली कुछ एक्सरसाइज में होने लगेगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस फॉर्मूले का इससे काफी बड़ा रिलेशन है। इसका फर्स्ट पार्ट फिक्स होता है वन बाय टू एक्स इंटू दिस प्लस ऑफ दिस, वन बाय टू एक्स इंटू दिस प्लस ऑफ दिस, वन बाय टू एक्स इंटू दिस माइनस ऑफ दिस। कैसे यूज करते हैं वो तीनों एक एक करके हम समझते हैं। यस, नंबर वन पे आते हैं, इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने अभी आपको बोला इसका फर्स्ट पार्ट होता है वन बाय टू एक्स इंटू दिस वन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। जो फॉर्मूला आपने वन अपॉन में लिखा था वही यहां आएगा, वन बाय टू लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यदि हम इसके सेकेंड पार्ट पे जाएं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे, देन अगेन वन बाय टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। इसके थर्ड पार्ट पे जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, इस पे केयरफुल रहना है, क्या बताता हूँ। वन बाय टू आएगा, एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, पर इन दोनों में प्लस है,
इसमें माइनस आएगा, और इसको याद ऐसे रखिए, जब माइनस का ए हो तो माइनस ए स्क्वायर एंड वन अपॉन फॉर्मूला एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये 14 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, मैंने बीच में बताया, अभी इनका यूज आगे होगा, पर इसलिए कि आप इनको अभी पहले अभी से याद करना चालू करें, धीरे धीरे एक्सरसाइज में ये यूज होते जाएंगे, और इन फॉर्मूले के बिना आप आगे की एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। ये 9 जो फॉर्मूले बाद में लिखे थे, सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं फॉर्मूले में कन्वर्ट होंगे, और आप उनको सॉल्व करने के लिए इन फॉर्मूले की हेल्प लोगे।